वरकात। वालेकुम अस्सलाम ورحمة الله وبركاته। कौन साहब कहाँ से? जी सर, मैं मोहम्मद शोएब मोहम्मद इकबाल इधर रावलाकोट आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी मेरी जान, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? सर आगे मेरा सवाल है कि हमारी एक भैंस है, उसको खुश्की ज्यादा हुई है, बाहर से ज्यादा वो खुदरी सी हो गई है। खुरदरी सी हो गई है, तो आप इस तरह करें, उसको सरसों का तेल ले लेना, और जी उसमें थोड़ा सल्फर डाल लें। गंधक नहीं अच्छा होती, सल्फर। जी मालूम है। हाँ, वो मिला के इसको तेल की अच्छी मालिश करें, ये अच्छी तरह करें, ये इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसका तेल से मालिश करें, और ये आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, और इसको नहलाते हैं ना, हम तो नहीं नहाते इधर, तो बहुत मुश्किल है नहाने से, तो जानवर मर जाएगा। भैंस जो है, भैंस है ना? जी भैंस इधर आजकल बहुत ठंडा है ना। हाँ, बहुत ठंडा है। चलो कोई बात नहीं, वैसे धूप में जब बिठाएं तो गर्म पानी में, नीम गर्म पानी लेके, तौलिया लेके, वो उसको अच्छी तरह साफ करें, पहले साफ करें, उसमें डिटोल डाल लें, या थोड़ा सा मिला दें डिटोल पानी में, और ये, और इसको बाद सरसों की तेल की मालिश करें। कोई बात नहीं, अगर ना भी मिले सल्फर, कोई बात नहीं, इसमें भी सल्फर होती है। ठीक है? हाँ जी, सरसों के तेल में भी सल्फर होती है, इसीलिए ये मालिश की जाती है, और स्किन बड़ी ठीक रहती है। आप इसको अच्छी तरह खूब मालिश करें, ठीक है, और धूप में बिठाएं, और इसको साफ सुथरा करें, जो मट्टी वट्टी और लगी हुई है ना, वो सारा बेशक साफ से कपड़े से, नील गर्म पानी से, वो आप इसको साफ करें अच्छी तरह पहले, और फिर उसके बाद ये तेल लगा के, और इसको धूप में भी बांधें अच्छी तरह। में तो लगातार मानते हैं, तो बस यही मसला था, तो इसका बस मैं ये कर करें, और दूसरा ये है कि हफ्ते में 2 दफ़ा इसको तेल आप वनडे में डाल के दें। तेल है, एक लिख लें अलसी का तेल, जी। और दूसरी दफ़ा आपने तिल का तेल दे देना है। ठीक है? यानी आज तो कश्मीर में, कश्मीर डे है, पता ही ना आपको, आप तो कश्मीर से बोल रहे हैं, रावलाकोट से बोल रहे हैं ना, तो मना रहे हैं आप भी कश्मीर डे या नहीं? उनको याद कर रहे हैं, भाइयों को, माइयों बहनों को, वो बहुत परेशान हैं, वो इतनी परेशानी में हैं बेचारे, कि उनके लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए, यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप प्लीज़ उन ये इसको आपने आज दिन है बुध का, आज 400 मिलीलीटर, आधा किलो से कम, थोड़ा सा, बेशक आधा किलो ही ले लें, आधा लीटर ही ले लें, 400 मिलीलीटर ये आज ले लेना आपने अलसी का तेल, ये इसको वनडे में मिला के इसको दे दें, ऊपर डालें वंडा, वंडे में मिक्स हो जाएगा, खा जाएगी इंशाल्लाह, और फिर 2-3 दिन बाद फिर दें इसको तेल, वो उसमें तेल, तिल का तेल दे दें। लगता है कॉल कट गई है। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हरेरा से रवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, जब बात कहे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहिबजादा को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, बशर्ते कि ज़िंदगी ने वफा की। फ़ीमान लाह।
چینل پاکستانی زراعت سے متعلق معلومات کا ایک انمول خزانہ، جس میں فصلات، سبزیات، باغات، قدرتی وسائل، زرعی مشینری، حیوانات، ملک بانی، ماہی گیری، مکس بانی اور کسانوں کے روزمرہ مسائل کا حل ملک کے معروف زرعی سائنسدان ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ روزانہ دن 11 بجے سے 1 بجے بعد دوپہر ماہ سوائے جمعہ کے بتاتے ہیں۔ فون نمبر 0333-5121-879۔